अगर आपको बनना है गुमला चौकीदार तो हो जाइए तैयार। दोस्तों हम आप लोगों के बीच 15 प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों इस 15 प्रश्न में कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसा है दोस्तों जो करंट अफेयर का है। काफी सारे बच्चों का डिमांड था कि सर करंट अफेयर का वीडियो लेकर आइए, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों के बीच करंट अफेयर का दोस्तों वीडियो लेकर आ गए हैं। आप लोग हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से सारा करंट अफेयर कराने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट गुमला चौकीदार का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों, अगर एक ही प्रश्न करंट अफेयर से आप लोग का आता है तो इस तो आप लोग उसको बना पाइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए आप लोग का कितना तैयारी ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ऊपर में लिख दिए हैं गुमला चौकीदार। पहला प्रश्न है, गुमला के किस मंदिर को मिलेगा जीआई टैग? बताइए गुमला के किस मंदिर को मिलेगा जीआई टैग? दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, जो रायडी मंदिर है, रायडी मंदिर, इसको मिलेगा जीआई टैग, ठीक है। नेक्स्ट, अल्बर्ट एक्का किस जिला के निवासी थे? आपको बताना है अल्बर्ट एक्का किस जिला के निवासी थे, तो आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा गुमला जिला के निवासी थे, ठीक है, गुमला जिला के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए? आपको बताना है अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए? दोस्तों जो अल्बर्ट एक्का थे वे शहीद हुए थे 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है, भारत पाकिस्तान के दोस्तों 1971 में ये शहीद हुए थे। अल्बर्ट एक्का से आप लोगों को प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये इकलौता व्यक्ति है झारखंड के जो शहीद हुए हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, ठीक है। अगला है चार नंबर, झारखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे परमवीर चक्र मिला, जिसे परमवीर चक्र मिला है? दोस्तों वह है अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का दोस्तों परमवीर चक्र दिया गया है। नेक्स्ट, रागी उत्पादन में गुमला जिला कौन सा स्थान पर है? रागी उत्पादन में गुमला जिला कौन सा स्थान पर है? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, बताइए क्या हो राइट आंसर? दोस्तों रागी उत्पादन की अगर बात करें तो गुमला जिला पहला स्थान पर आता है, ठीक है, पहला स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, लेट नहीं करते एकदम। झारखंड का पहला बर्तन बैंक की शुरुआत कहां से हुई थी? पहला बर्तन बैंक की शुरुआत कहां से हुई थी झारखंड में दोस्तों? तो देखिएगा वो गुमला से ही हुआ था, ठीक है, गुमला जिला से ही हुआ था। अगला है, चर्चा में रहने वाली आशा किरण कहां की है? चर्चा में रहने वाली आशा किरण दोस्तों कहां की है? दोस्तों चर्चा में रहने वाली जो आशा किरण दोस्तों ये जो रहने वाली है, ये रहने वाली है आप लोग का गुमला से, ठीक है, कहां से? गुमला से, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रही गुमला की फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? हाल ही में चर्चा में रही गुमला की फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों उनका जो नाम है वह है अष्टम उराव। कौन है दोस्तों? अष्टम उराव है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में चल रही सावित्री बाई फुले योजना की ब्रांड मिस्टर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? देखो दोस्तों अष्टम उराव को ही बनाया गया है, अष्टम उराव को ही बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टांगीनाथ में परशुराम का फरसा क्या कहा जाता है? टांगीनाथ में जो परशुराम का फरसा है, ये फलसा है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है टांगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी बच्चा का आज एग्जाम है सभी को मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों जब भी आप लोग एग्जाम जाते हैं दोस्तों रिलैक्स होके जाइएगा, ठीक है, आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों जब आप लोग रूम से निकलेंगे तो जरूर आप लोग अपना एडमिट कार्ड पीछे तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर लिखा होगा सबको निर्देश, उसको पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, क्या क्या आप लोग ले जाना है। एक आप लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर एक लेके जाइएगा, ठीक है, या तो फिर 10 का मार्कशीट अगर नहीं रहता है तो, हालांकि वहां पर 10 का मार्कशीट का शायद ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप लोग एक पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड ये सब कोई भी एक लेके जाइएगा, ठीक है, पीछे सर आप लोग जरूर पढ़ के देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में वहां पर लिखा होगा, ठीक है। और किस प्रकार का पेन लेके जाना है, पेन किस प्रकार ले जाना है, तो ग्रीन लेके जाना है कि ब्लू लेके जाना है, ब्लैक लेके जाना है, जो सारा लिखा हुआ होगा। और किस समय पहुंचना है दोस्तों ये भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो ये तीन बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पेन कैसा लेके जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, और किस समय पर जाना है, ये तीन चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आते हैं कार नंबर 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में आशा किरण बाला को कौन सा पदक मिला है? आशा किरण बाला को कौन सा पदक मिला है? दोस्तों स्वर्ण पदक मिला है,
ऑप्शन नंबर डी गोल्ड मेडल, ठीक है। अगला है 12 नंबर, 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में सुप्रीति कच्छप को कौन सा पदक मिला है? दोस्तों इनको मिला है कांस्य पदक, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आशा किरण बाला के बारे में तो स्वर्ण पदक होगा, और अगर पूछा सुप्रीति कच्छप के बारे में तो कांस्य पदक होगा, ठीक है। अगला है, राइज का पहला महिला पुस्तकालय का उद्घाटन गुमला में किया गया, पुस्तकालय का नाम क्या है? पुस्तकालय का नाम क्या है दोस्तों? देखेगा वो पुस्तकालय का नाम है सावित्री बाई फुले है, ठीक है, सावित्री बाई फुले है दोस्तों। कहाँ रहने वाली है? गुमला के ही रहने वाली है। यही प्रश्न पूछ सकते हैं, सावित्री बाई फुले कौन जिला का रहने वाली है? तो देखिएगा दोस्तों गुमला जिला की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुमला में चार धार्मिक स्थान का विकास किया जाएगा कितनी लागत से? गुमला में चार धार्मिक स्थान का विकास किया जाएगा कितनी लागत आएगा उसमें बताइए दोस्तों, याद रखिएगा। उसमें जो लागत आएगा वो आएगा 6.5 करोड़। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अजरबैजान में आयोजित होने वाला कुश्ती प्रतियोगिता में किसका चयन किया गया है? कुश्ती प्रतियोगिता में किसका चयन किया गया है? दोस्तों चयन किया गया है अमित कुमार गोप का, अमित कुमार गोप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये 15 दोस्तों आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से दोस्तों 10 से 12 प्रश्न ऐसा है दोस्तों जो करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग का जैसे एग्जाम हो जाए दोस्तों आप लोग जरूर क्वेश्चन पेपर को सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप लोग को दे दिया गया है।